कार्तिक पंच तीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई है। दूर दराज से बड़ी तादाद में धर्म प्रेमी बंधु पुष्कर पहुंच गए हैं। इनकी आवक निर्बाध गति से बनी हुई है। सरोवर में धार्मिक स्नान मंगलवार की अल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के बीच प्रारंभ हो गया। तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री और रविकांत शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर में सृष्टि यज्ञ किया था। लिहाजा इन 5 दिनों में सभी 33 करोड़ देवी देवता अंतरिक्ष की जगह तीर्थराज पुष्कर की धरा पर विद्यमान रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 5 दिनों के दौरान ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने मात्र से मनुष्य को न केवल पापों से छुटकारा मिलता है बल्कि हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में इसे भीष्म पंचक महास्नान भी कहा गया है। पंच तीर्थ स्नान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख घाटों, बाजारों, मंदिरों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से माकूल इंतजाम किए हैं। घाटों, मंदिरों समेत चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सरोवर पर पानी के स्तर को देखते हुए NDRF और SDRF का जाप्ता तैनात किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरोवर में NDRF ने रबर बोट तैनात की है। यज्ञ किया था जिसमें 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, संत महंत, ऋषिगण, मुनिगण सब दृश्य एवं अदृश्य रूप में यहाँ पर पधारे थे और वही प्रक्रिया आज भी सतत, चूँकि पुष्करराज महाराज आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मांड के सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों के गुरु है। इन पंच दिवस में इसे पंच तीर्थ स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर स्नान करने का कोटि गुणा फल होता है। और यहाँ पर स्नान करने का मतलब है डायरेक्ट आपकी पासिंग होती है वैकुंठ के लिए, तो अवश्य पधारें और इन पंच तीर्थ का स्नान का आनंद उठाएं। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंच तीर्थ स्नान कहलाता है। पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में धरती पर विराजमान रहते हैं और सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो गए हैं। प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं और सभी प्रकार का दान कर रहे हैं और तीर्थ का आनंद ले रहे हैं। कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंच तीर्थ स्नान कहलाता है और इसमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है।